के सकरौली खुर्द गांव स्थित मिरर स्कूल में गुस्साए ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। ग्रामीण इस बात से नाराज थे कि स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सख्ती के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। साथ ही तत्काल प्रभाव से एक शिक्षक को अस्थायी रूप से स्कूल में नियुक्त कर दिया गया है। दरअसल सकरेली खुर्द गांव के स्कूल में शिक्षक की कमी की समस्या लंबे अरसे से है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं। वहीं 2 महीने बाद बच्चों की परीक्षा है, जिसका डर बच्चों को सता रहा है, इसीलिए ग्रामीणों ने मजबूरी में ये कदम उठाया है। दो जन शिक्षक है, दोनों जाते पर मैम है ना नहीं पढ़ाए, आते मोबाइल में बिजी रहते। यहाँ पर 6 से 8 तक का क्लास लगता है सर, और टीचर की कमी की वजह से यहाँ पर हम आमजन मिलकर तालाबंदी किए हैं। हम तो सरकार से भी यही चाहते हैं और शिक्षा जो अधिकारी हैं उनसे भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल में जो शिक्षा की जो कमी है, शिक्षा सिंचाई में कमी है, उसको थोड़ा से जल्दी पूर्ण करके थोड़ा बच्चों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा स्तर को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। हमने निर्देशित कर दिया है, जो मैडम से इनको समस्या थी अब वो पढ़ाएंगे। उनका कोर्स पूरा भी हो गया है, थोड़ा गणित का कोर्स बचा है, विज्ञान और संस्कृत का कोर्स कंप्लीट भी हो गया है। नहीं नहीं, अभी ये स्थायी तो नहीं है, अध्यापन व्यवस्था है, लेकिन हमने इनको समझाइश दिया है जब तक कोई स्थायी रूप से यहाँ पदस्थ नहीं हो जाता तब तक ये 3 शिक्षक जो है कार्यरत रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए रवि गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आखिर पूरा साल बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा और आखिरी में आके 2 महीने बच्चों को पढ़ाया जाएगा और फिर उम्मीद भी की जाती है कि बच्चे पास हों, कभी बोलते बच्चे आते नहीं हैं, कभी बोलते बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आखिर किस तरह से व्यवस्था चलेगी अगर इसी तरह से शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचेंगे या वहां पर रिक्त नहीं किया जाएगा पदों पर? तो अजी ऋतु, यही बदहाल व्यवस्था हमको जो है शक्ति ब्लॉक के ग्राम सकरेली खुर्द के स्कूल में देखने को मिली। वहाँ साल भर से जो है बच्चे केवल स्कूल जाते थे और वहाँ जो है केवल अपना समय जो है पास कर रहे, टाइम पास कर रहे थे। जब वहाँ के जो बच्चों के परिजन है उन्होंने जब उनको पता चला कि आज पूरा साल निकल गया है और 2 महीने बाद परीक्षा है। चलिए आपको रोकना चाहूंगी, जिला शिक्षा अधिकारी मीता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। ये स्कूल की जांजगीर की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहाँ पर टीचर्स के अभाव के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, साल भर से स्कूल पहुँच रहे हैं पर वहाँ पर शिक्षक मौजूद नहीं रहता। आखिर किस तरह से इनका कोर्स कंप्लीट होगा और ये पढ़ाई करेंगे? टीचर तो वहाँ थे मैडम, पढ़ा भी रहे थे, लेकिन 2 टीचर थे, कमी तो थी, इसलिए अभी प्राइमरी से वहाँ पर एक टीचर को दे दिया गया है। 2 टीचर थे पर वो भी किसी काम के नहीं थे वहाँ पर। साफ तौर पर बच्चों का कहना है कि सिर्फ मोबाइल में टीचर्स लगे रहते हैं और कुछ हमको नहीं पढ़ाते, हम स्कूल आते हैं, बैठते हैं और घर चले जाते हैं। मैंने बीओ से बात की है, बीओ ने तो कहा कि मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामीण थोड़ा वहाँ ज्यादा विरोध कर रहे हैं। विरोध तभी करेंगे ना जब वाकई में ऐसी स्थिति बनी होगी। मैडम देखना पड़ेगा, मैडम वो बोल रहे थे कि वहाँ जो लोकल टीचर थे उनको गांव वालों ने वहाँ से हटा दिया कि हमको ये टीचर नहीं चाहिए। तो टीचर इसीलिए नहीं चाहिए, बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि मैडम जी मोबाइल में लगी रहती हैं, अपने मोबाइल चलाती हैं और हम पर ध्यान नहीं देती हैं, हम कुछ पूछते हैं तो। हम नहीं थे मैडम उस समय वहाँ, तो आप नहीं थे, निरीक्षण तो आपकी टीम करती होगी, जिला अधिकारी हैं आप, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, निरीक्षण नहीं होता मतलब समय समय पर? साल भर से बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। अब हम जाके देखेंगे मैडम, तभी बता पाएंगे, है ना। हमको, हम तो बीओ से पूछे तो बीओ ने कहा कि मैडम थोड़ा गांव वाले ज्यादा उसको तहसूल दे रहे हैं क्योंकि अब पर साल भर में अगर आपको इस बात की जानकारी ही नहीं लगी है तो कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी? सुन पा रही हैं मीता जी आप? हाँ, मैं असल में रास्ते में हूँ, मीटिंग में आई थी तो थोड़ा यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा बहुत आवाज का। अब क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे वो बताइए आप। टीचर दे दिया गया है, अब जाके वहाँ से कोर्स वगैरह में जाके भी पता लगा ना, अभी तो मैं बाहर हूँ, आज मीटिंग में आई हूँ। आप पहुँचेंगी वहाँ पे, निरीक्षण करेंगी जो अव्यवस्था फैली हुई है? मैं जाऊंगी, हाँ जाऊंगी। चलिए उम्मीद तो ऐसी ही करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुना आपने, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कहती हुई नजर आए कि अभी तो पदस्थ कर दिया है और मैं निरीक्षण भी करूंगी, पर साफ तौर पर अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो बात यही है कि यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है, शायद तभी इसी वजह से ये व्यवस्थाएं हैं। अब जाने की बात तो कर रही है, शायद पहले चली जाती तो उनका सिलेबस जो बच्चों का है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता साल भर में।
जी रितु, बिल्कुल बात यही है। वहाँ की जो बदहाल व्यवस्था है, जिसको लेकर जब परिजन एक प्रकार से पूरी तरीके से हार गए, तो उन्होंने वहाँ तालाबंदी करने का जो है निर्णय लिया, जिसके बाद जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और आनंद फानंद में वहाँ मौके पर पहुंचे और तत्काल एक जो है शिक्षक की जो है टेम्परेरी रूप से वहाँ पर व्यवस्था की गई। लेकिन यह व्यवस्था कितने दिन के लिए है, इसके लिए कोई अभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दो महीना बच्चों के परीक्षा के बचा हुआ है। जैसे तैसे जो है उनकी जो है परीक्षा निकाल ली जाए, बस यही सब चीज को देखते हुए वहाँ शिक्षक की व्यवस्था की गई है, और जिसके बाद अगले सत्र फिर यही सब सुविधा और व्यवस्था वहाँ देखने के लिए मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस जानकारी को साझा करने के लिए।